वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ एंड क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। टाइप्स ऑफ नंबर तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे हमारे कौन से टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। आपका जो हो जाता है पहला आपका जैसे हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया आपका, होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसको बोलते हैं होल नंबर। आपका होल नंबर हो गया, फिर इसी में आपका आ जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, फिर नेक्स्ट इसी में इसके बाद आ जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपके यहाँ पे। होल नंबर में ही आपका आ जाता है, आपका हो जाता है ओड नंबर, ओड नंबर जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट इसी में आ जाता है इवन नंबर, इवन नंबर जिसको हम बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका आ जाता है आपका जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्राइम नंबर, आपका आ जाता है प्राइम नंबर, और उसके बाद आपका आ जाता है कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। यहाँ पर जितने नंबर हैं यहाँ पे देखेंगे कि आपका कौन से नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें आपका हो जाता है नेचुरल नंबर, आपका क्या हो जाता है सबसे आपका हो जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर आपका हो जाता है जैसे कि हमारा वन से लेके आपका नंबर जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और आगे तक चलते जाए हम, तो ये आपका हो जाता है नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हम बात करें आपका, नेक्स्ट हम इस बात करें आपका जो हो जाता है होल नंबर की हम बात करें, आपका होल नंबर हो गया, होल नंबर हम क्या बोलते हैं, होल नंबर को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। होल नंबर आपका हो गया, होल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर आपका जीरो से स्टार्ट होता है, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे ही चलते जाता है आगे तक। नेक्स्ट नंबर की हम बात इसमें करें आपके कौन से आ जाते हैं, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हम आपका जो हो जाता है यहाँ पे हम बात करें इवन नंबर की, इवन नंबर को आप क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे इवन नंबर। आपके इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विषम संख्याएँ। विषम संख्याएँ आपके कौन से नंबर होंगे, जैसे कि आपका हो गया टू हो गया, फोर हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, टेन हो गया, ट्वेल्व हो गया, इसको हम बोल सकते हैं जो वो नंबर जो कम्प्लीटली टू से डिविजिबल हो, जो दो से डिवाइड हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करें इवन नंबर, वो ऑड नंबर की बात करें, तो ऑड नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं, और वही हम इवन नंबर को क्या बोलते थे, सम संख्या। तो ऑड नंबर में आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर में आपका जो हो जाएगा जो कम्प्लीटली आपका टू से डिवाइड ना हो, जैसे कि आपका हो गया वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया,
सेवन हो, ये आपके नंबर कौन से हैं, ये आपके टू से जो है डिविजिबल नहीं है। आपका क्या हो गया, नाइन हो गया, क्योंकि नाइन भी आपका जो है टू से डिविजिबल नहीं। अलेवन हो गया, थर्टी हो गया, तो ऐसे ये सारे नंबर आपके हो जाते हैं, फिफ्टी हो गया, जो कि टू से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका जो नंबर आ जाता है यहाँ पे फ्रेंड, वो आ जाता है आपका प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हम कौन से नंबर देखने वाले हैं, प्राइम नंबर हम देखेंगे, प्राइम नंबर, प्राइम, प्राइम नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है इसको हम बोलते हैं। जैसे कि आपके कौन से वो नंबर हो जाएंगे, जैसे कि आपके जो हो जाए टू हो गए, थ्री हो गया, फाइव हो गया, फाइव आपका यहाँ पे हो गया, सेवन हो गया, अलेवन हो गया, अलेवन हो गया, ये अलेवन है, थर्टी हो गया। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, यानी जो जो क्या है वो नंबर जो है कम्प्लीटली अपने आप से डिवाइड हो, किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। जैसे कि आपका हो गया थर्टी हो गया था, आपका नाइनटीन हो गया, ट्वेंटी थ्री हो गया, तो वैसे नंबर जो अपने आप से ही केवल डिवाइड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर हम उस बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट आपके इसमें हम बात करने वाले हैं नंबर आपके कौन से, नेक्स्ट यहाँ पे हम जो नंबर बात करने वाले हैं वो आपका हो जाता है क्या, कंपोजिट नंबर। क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर आपके क्या हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं आपके क्या हो गए, वैसे नंबर जो जो कि अपने आप से तो डिवाइड होंगे भी, वन से भी डिवाइड होंगे, लेकिन उनके बहुत सारे फैक्टर आप यहाँ पे बनेंगे। तो जैसे आपके कंपोजिट नंबर यहाँ पे हम जैसे ले लें, आपका जैसे हो गया फोर हो गया, सिक्स हो गया, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका फोर है, तो फोर को आप कितने पार्ट में तोड़ रहे हैं, वन से हो जाता है, टू से हो जाएगा, फोर हो जाएगा। वहीं हम सिक्स की बात करें तो सिक्स को हम किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं, सिक्स को आपको वन टू से तोड़ सकते हैं, थ्री से तोड़ सकते हैं, तो आप इसको तोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, वो भाज्य संख्याएं होते हैं, जो कि वन से तो कटेंगे ही, अपने आप से भी कटेंगे, और उनका जो फैक्टर बनेगा वो इस टाइप का आप समझ सकते हैं। तो ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अब आपके हम कौन से बात करेंगे, यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। अब रेशनल नंबर क्या होता है आपका, यहाँ पे हम बात करेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपका हो गया, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा ए नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q के फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये रेशनल नंबर आपके जैसे हो गए आपका जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया। तो इसको देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे टू लिखा है, तो मान लीजिए कि तो आप इसके नीचे वन छिपा है,
अगर 3 है तो इसके नीचे मान लीजिए 1 छिपा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। तो हमने क्या किया, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। अब मान लीजिए अंडर रूट 25 है, तो ये आपके रेशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, ये आपके रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि जब आप 25 को का आप अंडर रूट हटाएंगे तो आपका 5 होगा, तो 5 हम मान लेते हैं इसके अंदर 1 छिपा है, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख दिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इरेशनल नंबर की। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जस्ट इसका आपका क्या हो जाता है, अपोजिट होता है, जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में हम जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर हो गया। अब जैसे कि आपका हो गया, जैसे यहाँ पे अंडर रूट आपका क्या हो गया, 7 है, तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका अंडर रूट 7 का जो होता है होता ही नहीं, तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यहाँ पे हम बात करते हैं वाले हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे कि आपका होगा यक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 एंड सो ऑन, वो ये चलता जाए, तो इसको इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर में आपके दो टाइप्स के नंबर होते हैं, पहला होता है आपका इवन नंबर, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दूसरा हो जाता है ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यहाँ पे देखेंगे इवन, यहाँ पे हम देखेंगे इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। चलिए यहाँ पे रब करते हैं इसको, हम यहाँ पे देखेंगे इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपके इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके जैसे हो जाते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, तो ये क्या हो जाएंगे आपके इवन कॉन्जिक्यूटिव आपके क्या हो जाते हैं, नंबर हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे कि आपका हो गया 8, 10 एंड सो ऑन, तो ये आपका हो गया इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। और नेक्स्ट आप यहाँ पे हम बात करें, नेक्स्ट जो हो जाता है ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऑड कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं आपके ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे कि आपका हो गया एक्स प्लस आपका सिक्स, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 9, 5, 7, 9, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो आई होप फ्रेंड आपको ये टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आए होंगे, आई होप आपको प्रॉपर इसको दिख रहा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।